नजर हेडलाइंस पर। बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत, चार की मौत की गंभीर। दब कर रखी गई अवैध रेत को एसडीएम ने किया जब्त। ग्रामीण लोगों को किया जा रहा स्वच्छता के प्रति जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर आरंग के पास मोड़ पर रसाई पाली से रायपुर जा रही जीत कंपनी की बस ट्रक से टकराई। बताया जा रहा है कि यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 30 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जिनका इलाज जारी है। छतरपुर जिले के गड़ी मलहरा में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई कर डंप की गई अवैध रेत को जब्त किया। बताया जा रहा है कि नगर में अवैध रेत का कारोबार चरम सीमा पर चल रहा है। प्रिंट मीडिया में प्रकाशित खबर को नौगांव एसडीएम ने गंभीरता से लेकर तुरंत छापा मार कार्रवाई करते हुए सब्जी मंडी मैदान में रखी अवैध रेत करीब 85 ट्राली जब्त की। इस छापा मार कार्रवाई से रेत कारोबारियों पर हलचल मचा है। इस रेत डंप जो की गई थी, ये जो डंप मंडी प्रांगण गढ़ी मलहरा में 55 ट्राली एवं गांधी पार्क सीएमओ साहब के शासकीय ग्राउंड के अंदर ये 30 ट्राली, ये तहसीलदार एसडीएम महोदय एवं तहसीलदार महोदय एवं टीआई साहब की उपस्थिति में पंचनामा और जब्तीनामा सुपुर्द किया गया सीएमओ साहब के गांधी पार्क का और मंडी कर्मचारी के प्रांगण के मंडी कर्मचारी अधिकारियों को सुपुर्द किया गया। तो इसके आगे लिए क्या कार्रवाई होगी? अगली कार्रवाई इसमें अब जो भी इसका प्रावधान होगा खनिज विभाग से संबंधित कार्रवाई होगी, वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। स्वच्छता, साफ सफाई और खुले में शौच प्रथा समाप्त करने को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर पर सुधार लाना मुख्य उद्देश्य है। यह बात फील्ड आउटरीच ब्यूरो क्षेत्रीय लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय भारत सरकार इकाई छतरपुर द्वारा ग्राम धौरी विकास खंड ईसा नगर में स्वच्छता ही सेवा विषय पर कार्यक्रम आयोजन कर ग्रामीण लोगों ने समझाइश दी। कार्यक्रम में आयोजक श्री एस के साहू इकाई प्रमुख द्वारा मंच का संचालन करते हुए कहा कि खासकर ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है कि सरकार के द्वारा शौचालय निर्माण करा दिया गया है, लेकिन